नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल नॉलेज इन्फॉर्मेटिकल्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट है केरिगम। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं पर्सनल लोन्स क्या होते हैं और किन किन क्राइटेरिया में आपको पर्सनल लोन्स मिल सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल लोन्स की जो अवधि होती है 2 साल से लेकर के 7 सालों तक होती है, यानी कि 24 मंथ से लेकर के 84 डेज में आप इसकी EMI की इंस्टॉलमेंट आप उसकी दे सकते हैं जो भी आप लोन देते हैं। लोन के किन क्राइटेरिया में आप दे सकते हैं, आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं और एलिजिबिलिटी के लिए आपका बैंक बैलेंस आर स्टेटस देखा जाता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या आपके आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के तौर पर जो है देती है फाइनेंस कंपनी, मतलब उसकी कॉपीज लेती हैं। और पर्सनल लोन्स में जो रीपेमेंट का सिस्टम है, अगर आप चाहें तो इसके रीपेमेंट मतलब कर सकते हैं। जनरली लोग किस लिए लेते हैं, शादी के लिए, ठीक है। जनरली अगर बेटी की शादी है तो उसके लिए आपको बड़ी आसानी से वेडिंग के लिए आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। कोई इमरजेंसीज है, कोई दुर्घटना हो गई, कोई बात हो गई तो उसके लिए आपको मिल जाता है, आपको लोन पर्सनल लोन मिल जाता है। फिर बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट हॉस्पिटलिटी के लिए, अगर आप कहीं से इलाज कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल से इलाज कर रहे हैं तो उसकी रिपोर्ट्स दिखा करके जो है आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। फुल लोन कहाँ से ले सकते हो, मैंने इसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है जहाँ पे आप फाइनेंसर्स और इन्वेस्टर्स का मैंने बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर होम कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशंस, अगर नया मकान खरीदा है आपने और उसको कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी लोन मिल जाता है। रिनोवेशन का मतलब होता है पुराने मकान को छुड़वा के उस पर नए डिज़ाइन के अनुसार जो है आप बनवाना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको लोन प्रोवाइड हो जाता है। कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स परचेज, अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स परचेज करते हैं उसके लिए भी आपको पर्सनल लोन मुहैया कराया जाता है या दिलवाया जाता है, तो उसके लिए आप जाकर के आप बैंक से या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से आप जो है संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको ऋण यानी कि लोन मिल जाता है कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में। हर एक बैंक का, हर एक कंपनी का अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और हर एक कंपनी की अलग टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, जिनके बिहाफ पे अगर आपको उनके क्राइटेरिया की उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग है तो आपको लोन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।